का सीक्वेंस आपको बता देते हैं और उसके बाद उसकी शुरुआत करेंगे। शिवांगी से आज सस्ता ऑप्शन लेंगे हम, उसके बाद राजेश पालवे जी से FNO सुपरस्टार, चाट का चमत्कार के लिए आशीष बहेती तैयार हैं और सनी अग्रवाल जुड़े हमारे साथ मिड कैप फंडा के लिए। तो चारों की चारों ट्रेड्स कुछ ही देर में आपके लिए, लेकिन एक बार दो तीन स्टॉक्स और देख लेते हैं। कैपिटल गुड्स में वापस अच्छे मूव्स आ रहे हैं, सीमेंस और कमिंस दोनों के दोनों और ABB तीनों, इनफैक्ट एक्चुअली कमिंस थोड़ा कूल ऑफ हो गया, लेकिन सीमेंस और ABB डे हाई पर आ गए हैं। ये सीमेंस और ABB यहाँ पर भी अच्छे मूव हैं। मानस, कोई ABB पे हमारी लगातार बात हुई है, कोई फ्रेश ट्रेड यहाँ पर? तो देखिए, पॉजिटिव यह है कि ABB ने करेक्शन के बाद हमने 20 डे मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लिया और 10 डे मूविंग एवरेज को रीगेन कर लिया है। मेरे ख्याल से एक चांस लेना चाहिए। अगर आप 60 मिनट चार्ट पे जाएंगे तो स्टॉक ने कंफर्मेशन दिया है हायर टॉप्स हायर बॉटम्स का, तो 84.25 के स्टॉप लॉस से करंट लेवल्स पे आप खरीदारी कर सकते हैं। टारगेट आपको 8800 के सेट करने हैं ABB में। इस समय ABB इंडिया पर मूव। चलिए एक काम करते हैं, चार का चौका की शुरुआत करते हैं फिर। 940 हो गया। शिवांगी, आपका सस्ता ऑप्शन ट्रेड। जी बिल्कुल, सस्ता ऑप्शन के लिए मैंने चुना है HAL। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि काफ़ी अच्छी तरह से स्टॉक जो है पिछले 3-4 दिनों के एक सॉफ्टनेस के बाद वापस अब मूव के लिए तैयारी कर रहा है, एंड एक फॉलो अप काफ़ी स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे। तो यहाँ पे 5450 के कॉल ऑप्शन में खरीदारी की सलाह रहेगी, 80 के स्टॉप लॉस और 130 के टारगेट्स के लिए। ओके, तो ये हो गई HAL पर पिक। राजेश जी, आपका FNO सुपरस्टार। तो अनुज जी, भारतीय एयरटेल के साथ जाना चाहेंगे। ये स्टॉक में कंटिन्यूटी बनी हुई है और हमें लगता है जिस तरीके से स्टॉक सीरीज के अंतिम पड़ाव पे अपने सीरीज के हाईएस्ट पॉइंट की तरफ ही ट्रेड करते हुए दिख रहा है, यहाँ पे हमें लगता है फॉलो अप बाइंग एक्शन आते हुए दिख सकता है। भारतीय एयरटेल फ्यूचर्स के टारगेट एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम 1465-1470 की तरफ, स्टॉप लॉस होगा करीब 1410 के आसपास। ओके, आपका भारतीय एयरटेल आपने पिक किया। अब चलते हैं आशीष बहेती जी के पास अगले ट्रेड के लिए। आशीष, क्या पिक कर रहे हैं आप आज चार्ट के चमत्कार में? जी, चार्ट के चमत्कार पे अल्ट्राटेक सीमेंट में खरीदारी की सलाह रही है। काफी अच्छा चार्ट स्ट्रक्चर बना हुआ और जिस हिसाब से वापस इसमें एक दो तीन चार दिनों के फॉल के बाद अब रिकवरी देखने मिली है, अब मोमेंटम में लग रहा है वापस यहाँ पे बन रहा है और तो खरीदारी की जा सकती है। 10,750 का एक स्टॉप लॉस लगाना है इसमें, 11,200 और 11,400 के टारगेट्स के लिए इसमें खरीदारी की करने की सलाह है। ओके, अल्ट्राटेक सीमेंट आपने पिक किया 10,940 पे। अब एक काम करते हैं, आज का जो मिड कैप फंड है उसको पिक करते हैं सनी अग्रवाल जी के साथ। सनी जी नमस्कार, क्या पिक कर रहे हैं आप? या गुड मॉर्निंग वीरेंद्र जी, आज का मेरा पिक रहेगा वीनस पाइप्स एंड ट्यूब। करंट मार्केट प्राइस 2200 रुपीज है और करंट मार्केट प्राइस पे जो कंपनी का मार्केट कैप है 4500 करोड़ रुपीज है। अगर मैं कंपनी के बिजनेस की बात करता हूँ तो वन ऑफ द स्टेनलेस स्टील, लीडिंग स्टेनलेस स्टील प्रोड्यूसर है और हाल ही में हमने देखा था कि कंपनी ने FY24 में इनकी जो कैपेसिटी है 12,000 टन पर एनम से बढ़ा करके 36,000 टन पर एनम करी थी और इसी का बेनिफिट हम अगले 2 साल में कंपनी में आते हुए देखेंगे। हमारा ये मानना है कि कंपनी ने जो FY24 में 86 करोड़ का प्रॉफिट दर्ज किया था, ये बढ़ करके तकरीबन 180 करोड़ हो जाएगा FY26 में, मतलब तकरीबन दोगुना अगले 2 साल में। और अगर मैं रिटर्न रेशियोज की बात करता हूँ तो तकरीबन 25-30% के रिटर्न रेशियोज कंपनी जनरेट करती है। काफी हेल्दी डिमांड है एंटायर स्टेनलेस स्टील पाइप सेगमेंट में, तो मीडियम टू लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में ऐड करने की राय रहेगी विद इन्वेस्टमेंट होराइजन ऑफ 6-12 मंथ एंड प्राइस टारगेट ऑफ 2600 रुपीज। ओके, वीनस पाइप्स आपने ये पिक किया। अब मैं चारों एक बार ट्रेड सकता हूँ फिर कुछ क्रिटिकल स्टॉक्स के बारे में बात करेंगे। सस्ता ऑप्शन शिवांगी जी के सौजन्य से आया था और वो डिफेंस से फोकस कर रहे थे। HAL की कॉल 5450 की फॉर ए पॉसिबल टारगेट ऑफ 130, 104 पे पिक करते हुए राजेश पालवी जी ने FNO सुपरस्टार पिक किया था भारतीय एयरटेल फॉर पॉसिबल स्विंग ऑफ 1465-1470। चार्ट के चमत्कार आशीष बहेती जी ने पिक किया और वो ट्रेड था अल्ट्राटेक सीमेंट 11,200 के लक्ष्य के लिए और सनी अग्रवाल जी ने अभी इस पाइप्स को पिक किया पाइप सेगमेंट में। और देखिए, बात करते करते वो जो टाटा केमिकल में बात हुई थी 1111 पे मैंने वो मार्क किया था और उसके बाद अनुज ने टिप्पणी भी। द
बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं, वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।